है गाइस, और सामने आना है पुष्पेंद्र, आप देख रहे हो पेंटेक। तो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं एक डोर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम, और ये एक बहुत ही शानदार मजेदार सिक्योरिटी अलार्म सर्किट है दोस्तों। इसको आप घर की दरवाजे या मेन गेट पर इंस्टॉल कर सकते हो। इससे आपका फायदा क्या है? फायदा ये है, जब भी आपका बिना परमिशन के कोई घर में एंटर करेगा तो ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। और दोस्तों इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, और आज मैं इसको बिना पीसीबी बोर्ड के बनाना सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक BC547 का ट्रांजिस्टर ले लिया, एक IR रिसीवर ले लिया, एक बजर ले लिया, ये 3.7 वोल्ट से 27 वोल्ट तक चल जाता है, एक मिनी ऑन ऑफ स्विच ले लिया, देख सकते हो बहुत ही स्मूथ है, एक 47 माइक्रोफैरड 16 वोल्ट का कैपेसिटर ले लिया, एक 3 mm का ब्लू LED ले लिया, आप यहाँ पर दूसरे कलर के भी ले सकते हो, और एक 3.7 वोल्ट का लिथियम आयन बैटरी ले लिया। ये सारे कंपोनेंट आपको लोकल मार्केट पे आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो मैं सारे कंपोनेंट का ऑनलाइन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वहाँ से भी जाकर चेक कर सकते हो। तो देख सकते हो इस ट्रांजिस्टर की पिनआउट इस तरह से होता है, कलेक्टर, बेस, इमीटर। अब मैं इस IR रिसीवर को ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ने वाला हूँ। दोस्तों IR रिसीवर का पिन आउट इस तरह से होता है, पहले वाला आउटपुट, मिडिल का ग्राउंड और लास्ट वाला VCC होता है। अब मैं IR रिसीवर की आउटपुट पिन को ट्रांजिस्टर की बेस के साथ और ग्राउंड को ट्रांजिस्टर की एमीटर के साथ जोड़ दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में लाइक करना भूल जाते हो। देख सकते हो इसको मैं इस तरह से जोड़ दिया, बहुत ही सिंपल है। अब मैं इस कैपेसिटर को जोड़ने वाला हूँ, तो देख सकते हो इसका पिन आउट इस तरह से होता है, सफेद वाला हिस्सा इस तरफ नेगेटिव होता है और दूसरे साइड का पिन पॉजिटिव होता है। देख सकते हो कैपेसिटर की नेगेटिव पिन को ट्रांजिस्टर की इमीटर और पॉजिटिव को ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मैं इस बाजार को लगाने वाला हूँ, तो उसके लिए इसका जो रेड वायर है उसको IR सेंसर की VCC पिन पर और ब्लैक वायर को ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन पर जोड़ना होगा। तो चलिए फिर फटाफट जोड़ लेते हैं। दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर हो तो मुझे जरूर फॉलो करना, मेरा ID है पेंटेक, और वहाँ पर मैं नया वीडियो का अपडेट और पर्सनल लाइफ के बारे में पोस्ट करता रहता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर बाजार के साथ एक LED भी जोड़ने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैंने देख सकते हो एक ब्लू LED ले लिया, आप दूसरे कोई कलर का भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर LED को बाजार के साथ सेम पॉइंट पर जोड़ना है, यानी बाजार की पॉजिटिव के साथ LED का पॉजिटिव और बाजार की नेगेटिव के साथ LED का नेगेटिव को जोड़ना है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर मैंने LED को जोड़ दिया, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप लोगों को सर्किट को समझने में कोई पर भी दिक्कत नहीं आया होगा। फिर भी आपको किसी पार्ट समझ नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसको मैं बहुत ही बारीकी से बनाना सीख रहा हूँ, तो आपको सर्किट डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। तो फिर चलिए स्विच को फटाफट लगा लेते हैं।
दोनों का बीच में लाते हैं कैसे अलार्म बज रहा है। तो चलिए आप इसको नीचे रख कर टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं तो पहले इसको नीचे रख कर टेस्ट करूँ, लेकिन आप इसको दरवाजा या गेट की दोनों तरफ लगा सकते हो। तो जब भी कोई दरवाजे में से अंदर आएगा या बाहर जाएगा तो ये अलार्म सिस्टम बजने लगेगा। और दोस्तों ये बहुत दूर से भी काम करता है, मैं इसको इतना नज़दीक लेकर टेस्ट करूँ इसलिए ये नहीं दूर से काम नहीं करके बहुत दूर से भी काम करता है। और आप लोगों को पता तो होगा दोस्तों टीवी रिमोट कितना दूर से वर्क करता है, और ये भी सेम उतना दूर से वर्क करेगा। तो आप लोग इसको घर पर जरूर ट्राई करना है, बहुत ही मज़ेदार एक प्रोजेक्ट है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, और अगर आप इस चैनल पर नया हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही कोई मज़ेदार प्रोजेक्ट या गैजेट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।